मोहतरम नाजरीन, मैं मोइनुद्दीन शाहीन, एसोसिएट प्रोफेसर शोबाई उर्दू, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आपसे हम कलाम हूँ। एमए फाइनल के 5वें पेपर कसीदा मरसिया मसनवी के तहत आज हम लखनऊ में अनीस से कबल मरसिया निकाली, इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए हाजिर हूँ मैं। जब मरसिया निगारी की तारीख या उसके आगाज़ व इर्तिका से मुतालिक गुफ्तगू की जाती है तो आमतौर पे हमारा जहन मीर बब्बर अली अनीस और मिर्ज़ा सलामत अली दबीर जैसे शोहराए आफाक शौरा की तरफ मुंतकिल होता है, लेकिन ये दोनों शायर मरसिए के अव्वलीन शायर नहीं हैं। इनसे पहले भी कुछ हजरात ने मरसिए लिखे और शुमाली हिंद में उनकी मरसिया निगारी का तस्करा कहीं मुख्तसर तो कहीं हाल हाल मिलता है। शुमाली हिंद में मरसिया गोई की तारीख पर अगरचे बाकायदा तहकीक की बहुत कमी है, लेकिन मुख्तलिफ तस्करों जो हमारे शोराए किराम ने तरतीब दिए उनसे पता चलता है कि मरसिया गोई का आगाज अनीस से पहले हो चुका था। बहुत से ऐसे शोरा थे जो इसमें तबा आजमाई कर रहे थे, और वो हजरात गजल, नज्म, कसीदा, मुसद्दस, मुखम्मस, रुबाई, तरजीह बंद, तरकीब बंद के साथ साथ मरसिया गोई में भी तवा आजमाई फरमाया करते थे। वो इन शायरों में मसलन आसिमी, शाह मुबारक आबरू, मुस्तफ़ा खां यकरन, सिकंदर पंजाबी, मीर ज़ाहक, मीर अब्दुल्ला मिस्कीन, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, मीर तकी मीर, कायम चांदपुरी, रासिख अजीम आबादी, सैयद मोहम्मद तकी, हजीं गमगीन, मीर मोहम्मद अली नियाज, दरख्शां नदीम और गुमान वगैरह जैसे शोराए किराम के नाम मरसिया निगारी से मुतालिक तस्करों, तारीखों और तहकीक से मुतालिक यानी मरसिए की तहकीक से मुतालिक किताबों में हमें देखने को मिलते हैं। मरसिया गोयों की इस कसीर तादाद के बावजूद उस दौर में मरसिया निगारी को फनी और अदबी हैसियत उस कदर हासिल नहीं हुई थी जिस कदर गजल या बाज़ दीगर असनाफ को हासिल हुई, लेकिन मरसिए की अदबी कम मायागी का एहसास सबसे पहले मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को हुआ। और सौदा ने सबसे पहले इस एहसास को दूसरों तक पहुंचाया कि मरसिया एक ऐसी सिन्फ़े सुखन है जिस पे तवज्जो सर्फ की जानी चाहिए। हालांकि सौदा के बारे में आपने पढ़ा भी है, अपने असातेज़ा से सुना भी है कि कसीदे के शहनशाह थे, लेकिन मरसिया गोई की तरफ भी उन्होंने तवज्जो सर्फ की, लिहाजा उन्होंने सबसे पहले अपने मासरीन शौरा में एक मरसिया गो मोहम्मद तकी उर्फ मीर घासी, मोहम्मद तकी उर्फ मीर घासी के लिखे हुए एक मरसिए के रद्द में सबीले हिदायत के नाम से एक तस्कर एक मना मरसिया तख्लीक किया था और ये बताया था कि मीर घासी का मरसिया फनी एतबार से बहुत कमज़ोर है। सौदा ने मरसिए का मकसद सिर्फ अवामुन नास के लिए जरियाए गिरियाओ जारी या आहो बुका करार नहीं दिया, बल्कि उन्होंने ये कहा
के मरसिया अकीदत का जरिया तो है ही, अकीदत को इजहार करने का वसीला तो है ही। जो शायर मरसिया कह रहे हैं उन्हें चाहिए कि वो मरसिए में फनकाराना सलाहियतों का जा बजा इजहार करें।